दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। भारत गौरव अवार्ड का आयोजन दिल्ली में स्थित शंग्रीला होटल में किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोगों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। भारत गौरव के आयोजनकर्ता डॉक्टर संदेश यादव ने आए हुए सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत करते हुए उनका धन्यवाद किया, जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम के लिए निकाला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते अपनी गरिमाई उपस्थिति से कार्यक्रम को सार्थकता प्रदान किया, साथ ही प्रतिभाओं को मार्गदर्शन भी किया। फगन सिंह कुलस्ते ने कहा कि प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना, उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत करना बहुत ही बेहतर काम है, जिसे भारत गौरव फाउंडेशन के महासचिव संदेश यादव बखूबी अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों देखिए सच की रफ्तार के संवाददाता जितेश अनेजा की एक खास रिपोर्ट। डॉक्टर संदेश जी, एक बार फिर से भारत गौरव अवार्ड का आयोजन कर गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारत गौरव पुरस्कार भारत की प्रतिभाओं का पुरस्कार है। हम भारत में वन नेशन वन अवार्ड इंडिया नोबल की बात करते हैं और भारत का नोबल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी इस मुहिम में भारत सरकार का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। रेल मंत्रालय भारत सरकार ने भी कुछ दिन पूर्व 182 से ज़्यादा ट्रेनों का नाम भारत गौरव ट्रेन के नाम पर रखा। हमने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से मांग की है कि लुटियन जोन के एक मार्ग का नाम भी भारत गौरव मार्ग रखा जाए। ये प्रतिभाओं का मंच है, उन प्रतिभाओं का मंच है जिन्हें सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और उनके बीच में हम पद्मश्री अर्जुन अवार्डी सभी प्रतिभाओं को लाते हैं ताकि पुरस्कारों के मामले में जो खिंची हुई समांतर रेखा है उसको समाप्त किया जा सके और लोगों को एक दूसरे से मिलाया जा सके। भारत के 16 से 17 राज्यों के लोगों ने आज भागीदारी की है, 3 केंद्रीय मंत्रियों ने भागीदारी की है, 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सम्मानित किया गया, विभिन्न आईएएस आईपीएस आईआरएस को सम्मानित किया गया। ये सम्मान देश का सम्मान है और उन कार्यों का सम्मान है जिनके लिए लोग अपने आप को महसूस करते हैं कि उनको उनके पुरस्कार उनके सम्मान के लिए उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। ये अवार्ड बहुत सराहनीय कार्य है। ये समाज में जो विशिष्ट व्यक्तित्व है, जो समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना, प्रमोट करना और उनको प्रोत्साहित करना, ये महत्व उद्देश्य में काम किया जा रहा है। जो आयोजक है मैं उनका शुभकामना करता हूँ और परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ ये अभियान सफल रहे। भारत गौरव पुरस्कार संदेश जी और संदेश जी की पूरी टीम ने बहुत अच्छे जो समाज में काम करने वाले लोगों का चयन किया है, वो भी रिटायर्ड जज के माध्यम से। मुझे लगता है कि एक निष्पक्ष तरीके से जो समाज में अच्छे काम करते हैं उनको पुरस्कार देना, अवार्ड देना और उनका सत्कार सम्मान करना, ये बड़े अपने आप में समाज में जो उत्कृष्ट काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में संस्था विचार करती है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की संस्थाओं के बारे में जब सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, काम करने का जो तरीका है, उसमें से मेरिट निकालना, उसमें से चयन करना, ये बहुत एक बड़ा कठिन काम होता है। फिर भी संदेश जी ने, उसकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सारे अवार्डियों को और विशेषकर इस संस्था को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अपना अपने लिए बहुत बड़ा जो है वो अपने आप को नसीब वाला और सबसे ज़्यादा जो है वो मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए हौसला और ज़्यादा बड़ा है, और मैं गौरव करता हूँ अपने भारत देश के ऊपर कि मुझे आज इस देश के अंदर मेरे अपने कामों को सराहते हुए भारत गौरव अवार्ड मिला है। इसके लिए मैं तहे दिल से अपने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, और श्री अमित शाह, माननीय अमित शाह हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनका, उन्होंने हमें यहाँ पर दिल्ली बुलाकर सेवा करने का मौका दिया, और मेरी सेवाओं को देखते हुए आज मुझे भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। एक सर, मैं भारत गौरव फाउंडेशन को और उसके महासचिव श्री संदेश यादव जी को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को इस पुरस्कार के लिए चुना, तथा मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। वर्तमान समय में मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कार्य कर रहा हूँ, तथा भारत सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान चला रखा है ड्रग को जो है पूरे देश से जो है मिटा देने का जो है, और ख़ास तौर पर जो है जब दूसरी बार माननीय श्री गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने जब से जो है शपथ ली है उस समय से जो है पूरा अभियान चल रहा है, तथा
आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में हमारी संख्या में भी इजाफा किया गया है तथा इस एक्ट में भी कई सारे संशोधन किए गए हैं, जिसकी वजह से जो है व्यापक रूप से जो है पूरे देश में एक अभियान चल रहा है तथा जो है हम समूल रूप से जो है पूरे देश से नशा मुक्ति का अभियान चला के जो है इसको समाप्त कर देना चाहते हैं। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सारे युवाओं को कि इस देश से जब तक जो है समूल रूप से जो है नशा मुक्ति नहीं होगी तब तक ये राष्ट्र जो है उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकेगा जितनी तेज़ी से इस राष्ट्र को बढ़ना चाहिए। और एक और अपील करना चाहता हूँ युवाओं से कि MyGOV.in पे जो है एक शपथ का जो है प्रारूप दिया गया है तथा सभी से मेरी जो है रिक्वेस्ट है कि जो है वहाँ जाके जो है उस शपथ को भरें तथा उस शपथ पत्र को जो है डाउनलोड करें तथा उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाता है। तो मेरी सारी युवाओं से है कि वो शपथ जो है नशा मुक्ति के खिलाफ अवश्य लें। धन्यवाद।